नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपांश वाजपेयी। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल ITI Tech Education में। हमारा वीडियो देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आप हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी पाते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपांश वाजपेयी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ITI Tech Education। दोस्तों, ITI में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमारे एक कमेंट आया था, किसी भाई का कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि फिटर ट्रेड के बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा। तो आज हमारे साथ हैं संतोष प्रधान, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के सीनियर टेक्नीशियन फिटर संतोष प्रधान जी, और आपको जानकारी देंगे फिटर ट्रेड के बारे में। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो नए लड़के हैं उनको फिटर के बारे में जानकारी भी नहीं होती है, जो ITI कर रहे हैं उनको भी अच्छी तरीके से जानकारी नहीं होती है कि हमें कौन कौन सा स्कोप होगा, कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, कहाँ कहाँ हमको जॉब कर सकती है। तो संतोष जी, ये हम जानकारी चाहते हैं कि आखिर ये फिटर ट्रेड है क्या? देखिए, फिटर एक इम्पोर्टेंट ट्रेड है, और इसी ट्रेड जो कि टूल रूम फिटिंग्स, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग वर्क्स और असेंबलिंग, डिसमेंटलिंग, ये सब टेक्निकल वर्क में एसोसिएटेड होता है और रिलेटेड होता है। जी जी बिल्कुल सर। इसका जो कार्य क्या होता है, जो फिटर ट्रेड, जैसे फिटर लड़के जो नए नए लड़के हैं वो फिटर ट्रेड से ITI करेंगे, या जो लड़के कर रहे हैं ITI फिटर ट्रेड से, उनका क्या काम होगा, क्या काम कर सकते हैं वो, क्या काम करना पड़ता है उनको? अच्छा, ये लोग क्या है, देखो, जो भी कंपनी हो या कोई फैक्ट्री हो या प्लांट लाइन हो, जो भी है, वहाँ प्रोडक्शन सेक्शन रहता है और मेंटेनेंस सेक्शन रहता है। तो फिटर एक जैसे इम्पोर्टेंट ट्रेड है, वो भी एक मल्टी ट्रेड है, तो वो फिटर वाले क्या सभी भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मतलब मैं बोला पहले कि रिपेयरिंग वर्क, मेंटेनेंस वर्क और टूल रूम फिटिंग्स वर्क, और ये क्या, और असेंबलिंग, प्रोडक्शन में असेंबलिंग और डिसमेंटलिंग ये जो होता है वो भी कर सकते हैं। हाँ जी सर। तो सर, एक अगला क्वेश्चन है, हमारे एक साथी ने पूछा था, ये फिटर ट्रेड का जो गवर्नमेंट का जो जॉब स्कोप होता है वो कितने परसेंट तक होता है और कहाँ कहाँ इसका जॉब स्कोप होता है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा प्लीज सर। अच्छा, फिटर ट्रेड का देखियो, मतलब ये स्कोप तो सभी जगह रहता है, ठीक है। मतलब जैसे कि एक इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय के हिसाब से देखे तो जनरल फिटर का ज़्यादा पोस्टिंग रहता है। फिटर तो बहुत सारे रहता है, जनरल फिटर, मैकेनिक, जनरल मैकेनिकल फिटर, ऑटो फिटर। हाँ जी सर। हाँ। जैसे बहुत सारे फिटर, जैसे आपने पाइप फिटर कि बहुत पाइप फिटर होता है, बेंच फिटर होता है, तो उसमें किस फिटर का ज़्यादा स्कोप होता है? ज़्यादा जनरल मैकेनिकल फिटर वाले का ज़्यादा रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी जनरल, हम कह सकते हैं अच्छी तरीके से कि जो जनरल फिटर का होता है उसका जॉब स्कोप ज़्यादा होता है। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है सर, एक अलग दूसरा एक क्वेश्चन है हमारा कि गवर्नमेंट सेक्टर में हम कहाँ कहाँ जॉब पा सकते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर में देखिए, रेलवे में, रेलवे जो असिस्टेंट लोको पायलट हो या असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन, और ग्रुप डी में, और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, और ये भेल में, टिस्को, और ये भी होता है कि हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सारे जगह फिटर का रिक्वायरमेंट रहता है। अच्छा अच्छा सर। हाँ सर, जो एक अभी हमारे एक दोस्त है वो पूछ रहे थे कि फिटर ट्रेड करने के बाद में जॉब स्कोप तो होता है, बट कोई भी हम स्वरोजगार वर्क नहीं कर सकते, क्या ये बात सही है क्या? नहीं, फिटर के लिए भी स्वरोजगार है। जैसे कि हम बताते हैं कि एक आदमी यदि मान लो एक मशीन फिटर हो गया, मेंटेनेंस में रह जाएगा, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑटोमोबाइल फिटर जो होता है वो अपने गैरेज ले करके, मतलब मोटरसाइकिल हो या कार, जीप, जो भी है उसका भी मेंटेनेंस कर सकता है, उसका स्वरोजगार भी कर सकता है। और जो बाईसाइकिल और रिक्शा वाले वो कि उनके लिए भी ये भी फिटर का भी ज़रूरत है, फिटर भी हो स्वरोजगार भी कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि फिटर ट्रेड एक ऐसी ट्रेड है जो मल्टी ट्रेड है। मल्टी ट्रेड, जी हाँ। हर एक इंडस्ट्रियल में और हर एक नॉन इंडस्ट्रियल में भी फिटर की ज़रूरत पड़ती रहती है। जी हाँ। अगर हम स्वरोजगार की बात करें तो स्वरोजगार में भी फिटर ट्रेड
का बहुत सारा स्कोप है। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर की तो बात ही और है, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट या प्राइवेट हो, कहीं भी फीटर का ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। जी जी सर, तो लास्ट में अब हमसे आपसे गुजारिश है कि जो लड़के फीटर ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं या जो फीटर ट्रेड से करने वाले हैं आईटीआई, ठीक है, एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज है कि उन लोगों पहले स्किलफुल बने, जैसे कि मतलब ये कि लड़का यदि आईटीआई कर चुका है उसके बाद वो अप्रेंटिस करे, अप्रेंटिस करने से वो स्किल बन जाएगा, स्किल बनने के बाद वो जब कोई भी सेक्टर होगा, मतलब जो कंपनी हो, प्लांट लाइन हो या फैक्ट्री लाइन जो भी है, वहाँ के यदि वो फॉर्म डालेगा वो तुरंत ही उसको नौकरी भी मिल जाएगा। ठीक है संतोष सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए और जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और देखेंगे वो उनको जानकारी लगी आपको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ठीक तो दोस्तों, अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाली बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियो जो आते हैं उसकी जानकारी आपको लगती रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ में अगली कड़ी के में किसी दूसरी ट्रेड के बारे में जानकारी के लिए हम किसी दूसरे मित्र के पास आएंगे। ये थे हमारे संतोष सर, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में गवर्नमेंट टेक्नीशियन हैं, इनसे आपने जानकारी ली और संतोष सर आपका बहुत बहुत आभार है। ठीक है, और दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, देखो दोस्तों।